हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम तक राजस्थान डीआरटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं आने वाले 24 घंटों के अंदर राजस्थान में कैसा रहने वाला है मौसम और किन किन जिलों में होने वाली हैं बारिश की गतिविधियाँ। साथ ही बात करेंगे अगले 3 दिनों के दौरान राजस्थान के किन किन इलाकों में हो सकती हैं भारी बारिश की गतिविधियाँ और अरब सागर में बनने वाले तूफान का क्या रहने वाला है ट्रेंड। ये संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो वर्तमान में देखा जाए तो संपूर्ण भारत में किस प्रकार के मानसूनी सिस्टम बने हुए हैं। मौसमी सिस्टमों की बात करें तो एक सर्कुलेशन राजस्थान के बिल्कुल उत्तरी भागों के आसपास बना हुआ है। इसके प्रभाव से देखा जाए तो WD के साथ आने वाली नमी और अरब सागरी शाखा से आने वाली नमी के प्रभाव से राजस्थान के जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग के कई इलाकों में मध्यम से तेज बारिश की गतियाँ देखने को मिल रही हैं। बीती रात की बात करें तो जोधपुर के आसपास के कई इलाकों में, पाली, जोधपुर, बाड़मेर के कई इलाकों में आपको हल्की खंड वर्ष की गतियाँ, तो कई कई इलाकों में तेज मूसलाधार वर्ष की गतियाँ ओलावृष्टि के साथ देखने को मिली। और आने वाले 24 घंटों के अंदर देखा जाए तो बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग और उदयपुर संभाग के कई इलाकों में मध्यम से तेज, तो जयपुर संभाग और कोटा संभाग के कई इलाकों में खंड वर्ष की गतियाँ संभावित हैं। हो सकता है कई कई इलाकों में आपको मध्यम से तेज वर्ष की गतियाँ देखने को मिले। बंगाल की खाड़ी के अंदर देखा जाए तो एक हल्का सर्कुलेशन बनता हुआ नजर आ रहा है और जल्द ही अरब सागर के अंदर एक सिस्टम बनने की संभावना है, क्योंकि हवाओं का घूर्णन लगातार इन क्षेत्रों पर देखने को मिल रहा है, जिसके प्रभाव से इन क्षेत्रों में एक नया सिस्टम विकसित हो सकता है। नए सिस्टम की बात करें तो 3 जून के आसपास एक सर्कुलेशन और 4-5 जून के आसपास एक डिप्रेशन बनने की संभावना है और उसके बाद ये मजबूत होते हुए एक साइक्लोन यानी तूफान बन सकता है। इसके प्रभाव की बात करें तो ये राजस्थान सहित कई राज्यों को प्रभावित करता हुआ नजर आएगा और कई इलाकों में मध्यम से तेज, तो जून के पहले और दूसरे सप्ताह के अंदर राजस्थान सहित कई राज्यों में आपको भारी बारिश की गतियाँ देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है कई राज्यों में आपको मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों में भारी बारिश की गतियाँ देखने को मिले। तो आने वाले 24 घंटों के अंदर देखा जाए तो राजस्थान के किन किन इलाकों में होने वाली हैं बारिश की गतियाँ। राजस्थान की विशेषता बात करें तो किन किन जिलों में मध्यम से तेज, तो किन किन जिलों में मूसलाधार बारिश की गतियाँ होने की संभावना है। तो वर्तमान में देखा जाए तो सुबह 7 बजे के अनुसार राजस्थान की कई इलाकों में घने बादलों का जमावड़ा, तो निचाई वाले बादल बने हुए हैं। इसके प्रभाव से राजस्थान के कई इलाकों में मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतियाँ होने की संभावना है। हो सकता है कई जिलों में आपको सुबह से ही भारी बारिश की गतियों का दौर देखने को मिले। विशेषता बात करें तो जोधपुर के उत्तरी इलाकों में नागौर, अजमेर, जयपुर तक आपको सुबह से ही मध्यम से तेज तो कई कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतियाँ देखने को मिले। बाकी जैसलमेर, बाड़मेर के कई इलाकों की बात करें जो बॉर्डर से सटे इलाकों में, इन क्षेत्रों में कहीं की हल्की बूंदाबांदी वाले बादल देखने को मिल सकते हैं। परंतु दोपहर के बाद की बात करें तो बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर के आसपास कई इलाकों में मध्यम से तेज तो कई कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतियां हो सकती हैं। नागौर के आसपास के इलाकों की बात करें तो कुशीरा, मेड़ता सिटी, भोपालगढ़, साडी, ओशिया, खिंदासर, नौका, डीडवाना, मकराना, अजमेर के आसपास वर्तमान में आपको घने बादलों का जमावड़ा, तो कुशीरा, मेड़ता सिटी, मकराना, अजमेर के आसपास कहीं के आपको भारी बारिश की गतियाँ देखने को मिल सकती हैं। फुलेरा, जयपुर, साक्सू, मकराना, डीडवाना, सीकर, श्रीमाधोपुर, सूरतगढ़ के आसपास, जयनगढ़ के आसपास की बात करें तो इन क्षेत्र में सुबह से ही आपको घने बादलों का जमावड़ा देखने को मिला है। जैसलमेर के आसपास भी आपको घने ऊंचाई वाले निचाई वाले बादल आपको गहरे नजर आ सकते हैं। बाकी बात करें तो भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बाकी बात करें तो आज राजस्थान के जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग के कई इलाकों में मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों में भारी बारिश की गतियाँ होने की संभावना है। उदयपुर संभाग, कोटा संभाग और जयपुर संभाग के कई इलाकों में आपको मध्यम से तेज बारिश की गतियाँ खंड बारिश के रूप में देखने को मिल सकती हैं। और अरब सागर के अंदर बनने वाले तूफान के प्रभाव की बात करें तो राजस्थान के अंदर कई इलाकों में मध्यम से तेज बारिश की गतियाँ उसी सिस्टम के प्रभाव से देखने को मिलेगी। और WD के प्रभाव से देखा जाए तो 3 जून तक राजस्थान के अंदर आपको बारिश की गतियाँ देखने को मिलेगी और मानसून आगे बढ़ने की परिस्थितियां जल्दी अनुकूल होने वाली हैं और जल्द मानसून केरल तक पहुंच सकता है। तो दोस्तों मौसम तक राजस्थान DRT चैनल पर अब के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।